बिल्कुल उनका स्टार प्रचारक में नाम आया था वो हमने कैंसिल किया है, और जिस तरह से उनके वक्तव्य आ रहे हैं वो किसी की सुपारी लिए जैसे वक्तव्य कर रहे हैं, और इसलिए उनके ऊपर शिस्त भंग की कार्रवाई की जाएंगी। आज उनके ऊपर कार्रवाई आज या कल में हो जाएगी, कार्रवाई होगी, कोई नोटिस नहीं है, ऑन द स्पॉट। आज हमारे महाराष्ट्र के नेता माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जी के नेतृत्व में जो कैंपेन कमेटी हमारी बनी है, और जो विविध कमेटियां जो चुनाव के समय बनती है उनकी आज मीटिंग हुई, उसमें जिस तरह से गलत प्रचार कर लोगों को गुमराह करने का काम जो बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसको कैसा रोका जाए। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई जो पदयात्रा की, और देश के करोड़ों लोगों को वो मिले, महिलाओं से मिले, युवाओं से मिले, किसानों से मिले, कामगार से मिले और गरीब लोगों से मिले, और उन सबको न्याय कैसा दिया जाए, उसके आधार पर जो गारंटी राहुल गांधी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बनाई, उसका डोर टू डोर कैंपेन करने का हम लोगों ने आज के मीटिंग में तय किया है।